पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में जलसा है। मैं जलसागाह पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेज है जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मौजूद है। तकारीर का सिलसिला इस वक्त जारी है। स्टेज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पे खिताब करेंगे, अपनी तकरीर करेंगे। 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी लाहौर में। मुबशर हसन साहब के घर पर पहला चेयरमैन मुंतखब किया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को और वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तवील सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसमें जमहूरियत के लिए अगर किसी पार्टी ने सही मायनों में कुर्बानी दी है तो वो पीपल्स पार्टी ने दी है, भुट्टो फैमिली ने दी है। जो पहला मंशूर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसकी चार नुकात थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मंशूर की बुनियाद थे, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम हमारा दीन होगा, सोशलिज्म हमारी मईशत होगी और इसके अलावा जमहूरियत हमारी सियासत होगी और ताकत का सरचश्मा अवाम होंगे। ये वो चार रुकात थे जो कि बुनियाद थी पीपल्स पार्टी के मंशूर की। उसके बाद हमने देखा तारीख में क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद उनकी बेगम नुसरत भुट्टो साहब ने कुछ सालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत संभाली और फिर 1984 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली। 88 में इलेक्शन जीता और वहां से दो मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, लेकिन 2007 में उनको भी रावलपिंडी में दहशतगर्दी के वाकये में कत्ल कर दिया गया। फिर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन थे आसिफ अली जरदारी साहब, उनके हाथ में पीपल्स पार्टी की कमान आई है, लेकिन अब जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के बाद अब जो कमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो तीसरी पीढ़ी को मुंतकिल कर दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन है, तो यूं तो हमने देखा है कि जो लीडरशिप का रोल है वो फैमिली में ही है, भुट्टो फैमिली से बाहर नहीं निकला, एक के बाद एक भुट्टो फैमिली का मेंबर पार्टी का चेयरमैन बना है। लेकिन अब नौजवान क्यादत तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुनहरे दिन वापस आ सकेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्यादत में, क्योंकि एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि ये वफाक की अलामत है, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर के नारे लगते थे, लेकिन अब हालात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात बनकर रह गई है, बल्कि सिंध की भी जो दही इलाके हैं उनकी जमात बनकर रह गई है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और खासतौर पर पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर पीपल्स पार्टी का वजूद कम ही नजर आता है और इसीलिए 2018 के इंतखाबात एक बड़ा चैलेंज होंगे। आज की ये गैदरिंग देख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक होप तो मिली होगी कि आगे शायद बेहतरी हो सकती है, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए ये तमाम चैलेंजेस हैं जो कि बिलावल भुट्टो साहब के सामने हैं। अब देखना यह है कि इस जलसे के बाद आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे बिलावल भुट्टो साहब इस पार्टी को रिवाइव कर सकेंगे, लेकिन इन 50 सालों में जो जमहूरियत के लिए कुर्बानी है पीपल्स पार्टी की उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो शहादतें हैं, जो कुर्बानियां हैं जानों की, वो अगर किसी ने दी है तो सही मायनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो फैमिली ने दी है। तो आइए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जरा बात करते हैं और पूछते हैं कि 50 साल के बाद पीपल्स पार्टी को वो कहाँ देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी बात करेंगे। तो स्टे विद अस। पार्टी के कुछ रहनुमा वर्कर्स हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। 50 साल के बाद पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में बड़ी जमात बनी है और मजबूत हुई है पहले से, या आपको लगता है कि इस वक्त एक रिवाइवल की जरूरत है पीपल्स पार्टी को? ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इस वक्त पार्टी को एक बहुत मेहनत की जरूरत है। जो हालात वाकयात पीछे रहे हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो पार्टी को इस वक्त बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन आज के जलसे ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जियाले भुट्टो की प्रशंसा है। और आपका ताल्लुक लाहौर से है, बिलखसूस पंजाब में तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे है, कितना बड़ा चैलेंज है और क्या करना पड़ेगा इसके रिवाइवल के लिए? आप यकीन करें कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी जान है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन लाहौर में क्रॉस मार्क है, वो अभी हमने देखा इलेक्शन। हाँ जी, लाहौर में है, लाहौर में हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि लाहौर में जो है वो सवालिया निशान है, लेकिन उसमें हम इसलिए सेटिस्फाई है कि यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर रहता हो, वहाँ पे जिनकी सारी कुवतें सारी मशीनरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए लगी हो, तो वहाँ पे हमें इतना डिसार्ड नहीं होना चाहिए। इस जलसे से कुछ उम्मीदें जागी हैं कि पीपल्स पार्टी कमबैक कर सकती है, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि पंजाब में दो पार्टी की फाइट होगी, पीपल्स पार्टी की नहीं होगी, तहरीक इंसाफ और नून लीग का आमना सामना होगा। सर देखें कि आप इमरान खान झूठे दावे करता है लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो करके दिखाती है, पीपल्स पार्टी ने नौकरी दी है, पीपल्स पार्टी बेरोजगारी खत्म की है, नून लीग ने फ्लाई ओवर बनाया, सिर्फ मेट्रो चलाई है, मेट्रो से हम मेट्रो को मेट्रो तो नहीं खाना तो खा सकते ना, लेकिन पीपल्स पार्टी रोजगार दिया, पीपल्स पार्टी पांच साल में कोई करप्ट नहीं किया, कोई करप्शन नहीं की, ये देखिए इनके गुलाम पकड़े जा रहे हैं, इमरान खान पीपल्स पार्टी ने करप्शन नहीं की, मैं तो कहते शोर क्योंकि मैंने तो खुद नहीं देखे, मैं खुद पीपल्स पार्टी का भी हूँ, मैं G9 इस्लामाबाद से रहता हूँ, मैंने कोई MNA आज तक नहीं देखा कि जो क्योंकि गिरफ्तार हुआ हो। आप कहाँ से आए? लाड़काना से। अच्छा, पीपल्स पार्टी लाड़काना? जी जी बिल्कुल, लाड़काना तो गढ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अगर लाड़काना में तरक्की नहीं की तो फिर अगर इनको मुंतखब किया तो मुल्क के दूसरे हिस्सों में कैसे तरक्की करेंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने शहीद होकर इतना जान पिया हो। लाड़काना जिला क्या पूरा सिंध जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उधर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला। तो बात सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, पख्तूनख्वा में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा? अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तंजीमें बनाई है, नहीं हर सूबों में वो काम करी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही वजीर आजम बनेगा। अभी पंजाब में बलोचिस्तान में हमारी बड़ी अक्सरियत जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तूफान देख रहे हैं आज जी, तूफान देख रहे हैं आप, खुश हैं आज के मजमे? कामयाबी है आज के मजमे से? खुश हैं हम, खुश है बहुत ही, हमारा आज का ईद का दिन है। अच्छा हाँ, और लगता है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी को एक कमबैक करने का मौका मिलेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम सीटें बहुत उठाएंगे यहाँ से, पंजाब से, पंजाब से भी उठाएंगे, पंजाब से उठाएंगे, KP से उठाएंगे, बलोचिस्तान से उठाएंगे हम लोग। अच्छा, इतनी उम्मीद आपकी बहाल हो गई इस जलसे के? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। ये सैलाब देखो ना, ये सैलाब देखो यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहा जाता है कि 50 साल के बाद पार्टी को बड़ा होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ दही सिंध तक महदूद होकर रह गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये सारी चीजें आज के जलसे में साबित हो गई हैं, जो लोग प्रोपोगंडा करते थे कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में महदूद होकर रह गई, आज वो अपनी आंखों से देख लें कि दुनिया का एक समुंदर अमंड आया है हमारे चेयरमैन की एक काल के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हमेशा वफा की लामत रही है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और 2018 में उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 2018 में पीपल्स पार्टी पंजाब में भी और सिंध में भी बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें निकालेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे मजमा तो अच्छा खासा इकट्ठा हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में एक ये खास बात होती है कि लोगों में एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है, जो कि हमें नजर भी आ रही है। मौलाना बख्शानी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आज 50 अपनी 50 मुकम्मल की है पीपल्स पार्टी ने, कैसा देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सफर 50 साल में, कहाँ खड़ी है आज जमात? इतने बहरानों और साजिशों में से और इतने तूफानों में से, इतने खून के समंदर से, आंसुओं के समंदर से क्रॉस करके आज यहाँ पहुंची है, और आज भी इस्लामाबाद में जो इज्तमा आप देख रहे हैं, जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई उनके मुंह पे तमाचा है, पीपल्स पार्टी आज भी, लेकिन साथ से तो देखें इस पार्टी में तो लिखना चाहिए, बोलना पे चाहिए कि इतनी साजिशों के बाद जिंदा है, यही बड़ा कारनामा। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जितनी जानी कुर्बानियां दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने, भुट्टो फैमिली ने, किसी और पार्टी ने नहीं दी। उनके साथ सियासी साजिशें, उनके रास्तों को किस अंदाज से रोका गया है, उसके सफर को कैसे रोका गया है, किस अंदाज से पंजाब में खास पार्टी की सरपरस्ती करके साल साल उसको अख्तियार दिए गए, किस अंदाज से इदारे हमारे खिलाफ रहे,
फिर भी पार्टी जिंदा है, यही बहुत बड़ा मुद्दा है। पार्टी तो जिंदा है, लेकिन मौलवी बख्श शांडिया साहब इस हकीकत से आप भी बाखबर हैं कि पहले पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी थी, वफाक की अलामत समझी जाती थी, लेकिन अब पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में वो बात नहीं है जो शायद उस वक्त थी जब पार्टी का आगाज हुआ था। पहले तो हेडक्वार्टर भी पार्टी का लाहौर था। आपके ख्याल में मजीद क्या करने की जरूरत है? मैं मानता हूँ इंतखाबात को जिस अंदाज से चुनाया गया है बार बार, और हमें हमारी ये पोजिशन निकालने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। आज भी पाकिस्तान की जंजीर है वफाक की जंजीर पीपल्स पार्टी है, बाकी जमायतों का तो दूसरे सूबों में भी जूझ रही है। कहाँ है नून लीग सिंध में, कहाँ है दूसरी पार्टी पीपल्स पार्टी, आज भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। और मौलवी बख्श शांडिया साहब, ये खास तौर पे आज ये जलसा जो है इस्लामाबाद में किया गया है, तो ये जानबूझ के ये वेन्यू का इंतखाब किया है कि वफाक की अलामत है? मुझे आपका लफ्ज जानबूझ के नहीं समझ में आया। वफाक की अलामत है पीपल्स पार्टी, सियासी पार्टी है, जाहिर अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं, ये भी आप प्रोग्राम। 2013 का इलेक्शन आपने कहा आपसे चुरा लिया गया, 2018 का भी चुरा लिया जाएगा या पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में कम बैक करेगी? आने वाले वक्त में बात करेंगे, सिर्फ 13 का नहीं, यहाँ बार बार जियाउल के बाद जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हुई हैं वो आज भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी बख्श साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब है, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा जो है साबित हो रहा है, आज का जलसा इतना कामयाब है। और हम तमाम ख़वातीन जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको, हम लोग बलूचिस्तान से आए हैं, हम तमाम अहदेदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इतनी दूर से हम अपना ये जलसा देखने के लिए आए, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारी गोल्डन जुबली। बलूचिस्तान से आए हैं तो ज़रा बताइए कि सिंध में तो हम देखते हैं अभी भी पीपल्स पार्टी बड़ी मकबूल है, लेकिन दूसरे सूबों में जो है वो सुनहरी दिन अब रहे नहीं पीपल्स पार्टी के, आपके ख्याल में आज के बाद कोई मुमकिन है? जी कैसे नहीं है। अच्छा, सुनहरी दिन बलूचिस्तान में मौजूद है, और इस दफा इंशाल्लाह ताला जिस तरह से जरदारी साहब ने कहा है, ये हमारा चैलेंज है कि ये हुकूमत जो है वो हमारी पीपल्स पार्टी की आएगी बलूचिस्तान। आपको लगता है बिलावल भुट्टो जो है अपने नाना की तरह या अपनी वालदा की तरह अच्छे लीडर बन सकेंगे, बड़े लीडर बन सकेंगे? इंशाल्लाह ताला, आप देख रहे हैं ना जो यहाँ से जो आपको नजर आ रहा है ना, तो इससे पता चलता है कि इंशाल्लाह ताला वो भी मुस्तकबिल में बेनजीर के जैसे और अपने दादा के जैसे इंशाल्लाह। भुट्टो जिए, बिलावल भुट्टो जिए, बेनजीर भुट्टो। आप कितने साल से फॉलो कर रही है पीपल्स पार्टी को? बेटे मुझे 36 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने तो सबको देखा है फिर, इसका मतलब? बिल्कुल देखा है मैंने, बेगम भुट्टो को देखा है मैंने, उस वक्त लोरालाई से मेरा ताल्लुक है, बलूचिस्तान का इलाका लोरालाई, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। इस वक्त मेरी एज जो है ना 75 है। अच्छा, 75 ईयर है। आपने तो पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन भी देखे हैं, आपको लगता है कि बिलावल वो अच्छे दिन वापस ला सकते हैं? इंशाल्लाह बिलावल को अल्लाह मियाँ जिंदगी देगा, बिलावल बहुत अच्छे दिन लाएगा। यूथ के हवाले से कहते हैं ये तहरीके इंसाफ के साथ है, क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है, जो तहरीके इंसाफ के यूथ के जाले हैं वो आप अगर देखें तो सिर्फ नाचते हैं जाते हैं। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि भुट्टो के नाम पे अपनी जान, तो वो मेरी कसम खा के कहती हूँ पीछे हट जाएंगे। लेकिन हमारे जालों को, यूथ को, पीवाईओ को, पीएसओ वालों को अगर बोला जाए कि बिलावल के नाम पे जान दे दे, तो फौरन अपना सर कलम कर देंगे उसके साथ पे, उसको कहते हैं जिए। हमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी है, जो शहादत भुट्टो फैमिली ने दी है, किसी ने नहीं दी, लेकिन आवाम अब वोट करेगी गवर्नेंस पर, करप्शन की या नहीं की, तो इन मामलात में तो 2008 और 2013 तक जो टाइम था वो इतना खास नहीं था पीपल्स पार्टी का। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस मुश्किल दौर के अंदर इकतदार मिला था, आपने देखा कि एक डिक्टेटर ने इस मुल्क की जमहूरियत पर जब जब शब खून मारा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये चैलेंज था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क में मार्शल्ला के खिलाफ हो, डिक्टेटरशिप के खिलाफ हो, उसने जुदोजहद की है। उसके बाद जो उनको इकतदार मिला, पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत के लिए जो मंसूबे शुरू कर सकती थी उस वक्त, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट हो, एनएफसी अवार्ड हो,
बहुत सारे ऐसे जो थे जैसे आगाज़ हकूक बलोचिस्तान, बड़े बड़े काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। आज जो सी पैक नवाज शरीफ साहब जिसका क्रेडिट लेने जा रहे हैं, वो सारी हमारे उस वक्त के सदर साहब का सदर आसिफ अली जरदारी। तो मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैंने शुरू किया था, ये तो हर कोई उस पर क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन एक बात बताइए, आपने बात की आसिफ अली जरदारी साहब की, अब ये क्यादत असल में बिलावल भुट्टो साहब के पास आएगी कब? कब वो वक्त आएगा जब वो अपने फैसले कर रहे होंगे? 2018 के इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और बिल्कुल हम प्रैक्टिकली ना सिर्फ चारों सूबों में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर भी इंशाल्लाह इस इलेक्शन में विन करेंगे। और अवामी नौजवान नस्ल है, ये तहरीके इंसाफ को, इमरान खान को सपोर्ट करती है क्योंकि उनको लगता है कि वो तब्दीली लेकर आएगा। आप जैसे नौजवान पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स का बताया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है, हर बंदे को बताया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि कौन सही है कौन गलत है। इमरान खान साहब तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं आगे, नाच रप्पा होता है, ये इनका, इन्होंने हमें शोर दिए, इनका मंशूर देखे, इनके ताकत का सर चश्मा अवाम है, उनका वो तो नहीं है, वो तो उनके पास, उन्हें कुछ हो गया तो उनके पीछे पार्टी कौन चलाएगा, कोई बंदा नहीं है उनका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, मानसेरा से आए हैं यहाँ पे जलसा अटेंड करने, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा आवाम का पावर शो है, ऐसा पावर शो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और यूं लग रहा है कि लोग तंग आ गए हैं पाकिस्तान की बाकी पार्टी से, पीटीआई पीएमएलएन सारे लूट मार के पीछे लगे हुए, और अब इस पार्टी में आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। कैसा लगा जलसा? बहुत अच्छा जलसा लगा। पीपल्स पार्टी कमबैक करेगी आपके ख्याल में? जरूर करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, जियालियों की तो बड़ी तादाद होती है पीपल्स पार्टी के जलसे में हमेशा? हाँ, बड़ी तादाद होती है। खवातीन क्यों इतना सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी को? खवातीन पीपल्स पार्टी का सपोर्ट करती है इसलिए क्योंकि ये जो बड़ी अच्छी है। क्यों सपोर्ट करती है खवातीन? आज किसको सुनने आई है आप यहाँ पर जी? किसको सुनने आई है? बिलावल भुट्टा। बिलावल भुट्टा की खुशी में आए साल हो गए पीपल्स पार्टी को, अब आइंदा क्या होगा? आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा बिलावल भाई जो है वो वजीर आजम होगा, 50 साल पूरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे आप देख रहे हैं कि इस जलसे में लोग पूरे पाकिस्तान से आए हैं, हमें लोग मिले जो कि गिलगित से आए हैं, पंजाब के हर जिले से आए हैं, सिंध से बड़ी तादाद में लोग आए हैं, और मेरे साथ कुछ और जियालियां मौजूद हैं जो कि सिंध से आई हैं, बेनजीराबाद से आई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनने के लिए। अब पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, सिंध में तो उनकी हुकूमत है, लेकिन क्या पंजाब में, बलूचिस्तान में, वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकेगी पीपल्स पार्टी? इंशाल्लाह बहुत जोश और खरोश से मनाएंगे और भरपूर तरीके से वो पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम इंशाल्लाह इस दफा बिलावल भुट्टो ही बनेंगे, और हमें बहुत ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो साहब का जलसा इस दफा इस्लामाबाद मरकज में किया गया है, जिसकी वजह से हम बहुत जोश और खरोश से हम लोग सिंध से आए हैं। ऐसे मैंने कहा कि सिंध से भी बड़ी तादाद में खवातीन भी आई हैं, ये थर पार्कर से दो खातून जो कि आई हैं जलसा अटेंड करने के लिए, कैसा लगा जलसा इस्लामाबाद में? सबसे पहले तो हम हमारे पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जो आज 50 साल हमारी पार्टी ने पूरा किया है, और आज जो जलसा देख के सचमुच जो भी हमारे दुश्मन है, जो मुखालफ है, उसको भी आज पता चल गया तो बिलावल खुद अब क्यादत कर रहा है हमारी पार्टी का, 2018 में वो हमारा वजीर आजम बनेगा, हम वजीर आजम बन जाएंगे बिलावल। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, ये तैयारी आप लोग थरपारकर से करके निकले थे या इस्लामाबाद में आगे की है? नहीं, हम थरपारकर से तैयार होकर निकले थे, खुशी में आए थे कि हमारे तैयार होकर आए थे वहाँ से, यहाँ ऐसे ही आएंगे थे, हमारा ये लिबास है, थर की सिंध की सकाफत है, इसको उजागर करनी है, तो हम आए तो हमने अपनी रवाज को साथ लेके आए। सही है, तो खुशी है आपके ख्याल में, मजमा अच्छा इकट्ठा हो गया आज? बहुत, आज तो इतनी खुशी हुई जो ईद में भी इतनी खुशी नहीं होती जितना आज हमारे क्यादत के सामने, आज इतने खवातीन है, इतने हमारे जियाले साथ हैं, आज बहुत खुशी। आपकी मोहब्बत तो अपनी जगह पीपल्स पार्टी से, थर पारकर में काम भी किया है पीपल्स पार्टी ने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थर पारकर में जो पहले मुखालफ थे अरबाब, जो हमारा सीएम था, लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी है उस दौर में पीपल्स पार्टी में बड़ा फर्क है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि भुट्टो तेरा काफिला रुका नहीं, बीबी तेरा काफिला रुका नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक की अलामत होती थी, अब पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में उतनी मकबूलियत नहीं रखती,
रह गई है, लेकिन यहाँ जो जोश और खरोश है लोगों का, जो आवाम यहाँ पे आई हुई है, वो पुर उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बिलावल की क्यादत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद तरक्की कर सकती है, बड़ी जमात बन सकती है, और यहाँ के लोग तो पुर उम्मीद है। अब देखते हैं कि 2018 में जो उम्मीदें हैं इनकी पीपल्स पार्टी से, वो पूरी होती है या नहीं। वेलकम बैक नाजीन, अब बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले से। बिलाखिर 3 साल के बाद पंजाब हुकूमत ने ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी और 2 मरतबा लाहौर हाईकोर्ट को फैसला देना पड़ा। पहले सिंगल बेंच का फैसला था जिसकी अपील में गई पंजाब हुकूमत, लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने भी वही फैसला सुनाया, अपील को मुस्तरद किया और कहा कि 30 दिन के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, इनकंक्लूसिव है, बेनतीजा है, हुकूमती किसी शख्स पर इल्जाम नहीं लगाए। ये रिपोर्ट इनकंक्लूसिव है, इसमें किसी हुकूमती पर्सनैलिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये रिपोर्ट जो है ये डिफेक्टिव है इन द आई ऑफ लॉ। इस रिपोर्ट में जिस एविडेंस के ऊपर इंसार किया गया वो रेलेवेंट ही नहीं है। वन मैन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है, इसकी रिपोर्ट किसी भी मुकदमे या इस मुकदमे में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये रिपोर्ट जो है वो फॉर द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, फॉर इंफॉर्मेशन होती है। राणा सनाउल्लाह साहब की ये बात सही है कि इस रिपोर्ट की रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट को किसी और मुकदमे में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ये बात आज लाहौर हाईकोर्ट ने भी की कि दहशतगर्दी की अदालत में जो मॉडल टाउन का केस है उस पर यह रिपोर्ट असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको रिपोर्ट पब्लिक करनी है। मिलाजुल कुरान के शोधा के जो लवाइकीन है उनको भी ये रिपोर्ट दी जाए और ये रिपोर्ट पब्लिक की जाए। राणा सनाउल्लाह साहब का ये जो दावा है कि हुकूमत के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा, हुकूमती कोई शख्स इसमें मुलव्वस नहीं है, ये कितना दुरुस्त दावा है ये आपको पता चल जाएगा ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद। जब आप इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे इस रिपोर्ट का, तो उसमें ऐसे नुकात हैं जिससे बराह रास्त ऐसा लगता है कि हुकूमत की लापरवाही थी, पुलिस का जो एक्शन था वो एग्रेसिव था, पुलिस को रोकने के अहकाम दिए गए या नहीं दिए गए ये कुछ नहीं लिखा। और ये भी इस रिपोर्ट में है कि बहुत सारी बातें छुपाने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट में राणा सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि कोई नतीजा नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है जस्टिस बाकर नजवी की जानिब से कि वजीर कानून की क्यादत में प्लान बना, ये ऑपरेशन डिजाइन हुआ जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ और इस ऑपरेशन को ठीक तरीके से किया जा सकता था, बआसानी जानी नुकसान को बचाया जा सकता था। इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि प्लानिंग और डिजाइन जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने किया। यह भी कहा गया है कि पुलिस ने जो ऑपरेशन किया वो ऐसा लगता है कि जिस काम के लिए पुलिस को भेजा गया था वो वही काम करके आए हैं, तो पुलिस के जो अहकाम दिए गए थे वो उन्होंने पूरे किए, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके बावजूद राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हुकूमती शख्स पर इल्जाम नहीं लगाया गया। एक और अहम बात कि पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे ऊपर फायरिंग हुई, मिनाजुल कुरान की तरफ से फायरिंग हुई, हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए, इसके बाद हमने रिटेलिएट किया, ऐसा कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया है कि जो प्रोटेस्टर जो मिनाजुल कुरान के जवान थे उन्होंने पथराव किया जिसके बाद पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया और कोई असला नहीं था मिनाजुल कुरान के लोगों के पास, ये भी इसमें दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई किसके कहने पर की, गोलियां किसके कहने पर चलाई, इस पर पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बार बार पुलिस अफसरान से ये पूछा गया कि आपने किसके कहने पे गोलियां चलाई, तो ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक हायरार्की में तमाम लोग खामोश रहे और कंक्लूड ये किया जज साहब ने कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर छुपाने की कोशिश की जा रही थी, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन रोकने के हवाले से एफिडेविट दिया है शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे जब उन्होंने टीवी चैनल्स पर देखा कि वहां पे हंगामा आराई हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उन्होंने डिसएंगेज करने का कहा, उन्होंने अहकाम जारी किए डिसएंगेज करने के। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कंक्लूड किया गया है कि राणा सनाउल्लाह साहब का एफिडेविट हो या पुलिस अफसरान से जब ये पूछा गया कि क्या आपको ये अहकाम मिले थे, तो इस रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने इस चीज की तस्दीक नहीं की कि हमें अहकाम मिले थे। और अगर 9:30 बजे अहकाम जारी भी किए गए थे पुलिस को कि आप इस ऑपरेशन को रोकें, तो क्या वजह है 12:30-1 बजे तक ये ऑपरेशन फिर भी जारी रहा? क्या शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं था कि उनके अहकाम के बावजूद ये ऑपरेशन है? ये बात समझ नहीं आती। तो ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में मौजूद हैं और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस अफसरान को वहां पे भेजा गया था सिर्फ इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए और इस चीज का जो प्लान बनाया गया था वो 16 जून 2014 को बनाया गया था और ये प्लान था कि इंक्रोचमेंट हटाएंगे, लेकिन
जब मीटिंग हुई थी 16 जून को तो उसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने यह तय किया था कि जो धरना होने वाला है, जो एहतजाज होने वाला है डॉक्टर ताहिर कादरी का, उसको हमने नाकाम बनाना है, उसको रोकना है। एक बहुत अहम बात इस रिपोर्ट में यह भी है कि जो कंक्लूजन का पहला सफा है उसमें तारीख दी गई है, मीटिंग की जो तारीख दी गई है वो 2017 की है। 16 जून 2014 की जगह 16 जून 2017 लिखा गया है। अब ये गलती दानिस्ता है, गैर दानिस्ता है, क्लेरिकल मिस्टेक है या टेंपर किया गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस बाकर नचवी साहब ने ये रिपोर्ट 2014 में मुकम्मल कर ली थी, 2014 में बैठ के वो 2017 की तारीख क्यों लिखेंगे, 2017 ही की क्यों लिखेंगे? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक महज इत्तफाक है कि 2017 की तारीख उन्होंने गलती से लिख दी? ये एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि 2017 ही वही साल है जिसमें ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है। तो इसलिए शक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट को क्या टेंपर किया गया है, क्योंकि आज डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने भी ये कहा था कि रिपोर्ट हमें दी जाए और रिपोर्ट हम पढ़ के देखेंगे कि क्या हुकूमत ने किसी किस्म का रद्दोबदल किया है या नहीं किया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा जिनका ताल्लुक है PMLN से, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक से काजी फैज साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा साहिबा, इसकी डिटेल्स, इस रिपोर्ट की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है और इसके जो कंक्लूजन की पहली लाइन है वहां पे डेट दी हुई है कि मीटिंग हुई 16 जून 2017, रिपोर्ट 2014 में मुकम्मल हो चुकी थी, नचवी साहब ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी, लेकिन इस रिपोर्ट की पहली लाइन में लिखी हुई जो डेट है वो है 16 जून 2017, जिससे ये शक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट में कोई टेम्परिंग की हुई है, क्योंकि क्यों जज 2014 में बैठ के 2017 की डेट डालेंगे? आपके इल्म में है क्या हुआ ये? शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, पहले तो ये गुजारिश है कि शुक्र है कि सिवाय इस क्लैरिकल और एक टाइपिंग मिस्टेक के आपको कोई और चीज़ नहीं मिली इसके ऊपर वो करने के लिए। ये क्लैरिकल मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, और अदरवाइज जस्टिस बाकर नजवी साहब जो हैं वो माशाल्लाह हयात हैं और मौजूद हैं, ये जाहिर है, ये वो वेरीफाई भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इसको जो एक प्रोपेगंडा बनाया गया है कि जी वो टेम्परिंग हो गई और पता नहीं क्या हो गया, वो इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें टेम्परिंग जो है वो क्या डेट की टेम्परिंग होनी थी। अगर टेम्परिंग ही करनी हो तो वो क्या 14 को 17 करने से क्या मामला दुरुस्त हो जाते हैं? मतलब जो उन्होंने कहने की कोशिश की है या जो उन्होंने किया है, नहीं होते, और लेकिन, लेकिन आपने बात की है जी फरमाइए। मैं दो चीजें, एक तो कि सिर्फ मुझे ये क्लेरिकल एरर नहीं मिला, मुझे इस रिपोर्ट में और चीजें मिली हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं उन डिटेल्स में भी जाऊंगा क्योंकि मैंने कंक्लूजन बड़ा तफसील से पढ़ा है। दूसरी बात यह कि ये तो एक मिस्टेक हमें नजर आ गई, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि क्लेरिकल मिस्टेक है, क्या आपका जहन कहता है कि क्यों एक जज साहब जो है 2014 में बैठ के मिस्टेक करेंगे, 2017 की डेट लिख देंगे? क्या ये एक इत्तफाक है कि 2017 की डेट लिखी गई और 2017 में ही ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है? सिर्फ महज एक इत्तफाक है ये आपकी नजर में? देखिए, मेरी नज़र की बात नहीं है शहजाद इकबाल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि क्लेरिकल और टाइपिंग मिस्टेक हर एक मुख्तलिफ कई मैं हवाले दे सकती हूँ आपको रिपोर्टों के, और इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी क्लेरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, हुआ करती हैं, ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि नजफी साहब जो हैं वो जिन्होंने ये रिपोर्ट खुद लिखी है वो इसको वेरीफाई करने के लिए दुनिया में मौजूद हैं, ये कोई एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट तो है नहीं जिसमें जो है वो असामा बिन लादेन से पूछा जाए कि आपके साथ ये सब हुआ था या नहीं हुआ था। सो इसलिए वो मौजूद हैं और इसमें कतन किसी किसी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं है और हमें कोई टेम्परिंग करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इसमें हमें किसी चीज के ऊपर मुर्दे इल्जाम ठहराया ही नहीं गया, तो हम इस पर डेट चेंज करके क्या कारनामा संजम देना चाहेंगे? अच्छा, मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया गया, मैं उस पर आता हूं, लेकिन काजी फैज साहब, आज ताहिर कादरी साहब ने कहा था कि हम रिपोर्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई रद्दो बदल तो नहीं किया गया है। आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो या आपकी पार्टी ने जब ये रिपोर्ट देखी, आपको लगता है कि किसी किस्म की टेम्परिंग हुई है या सिर्फ ये क्लेरिकल एरर है? देखें, एक बात तो अभी आपने खुद ही मेंशन कर दी कि ये जो डेट वाला मामला है ये इस चीज को मशकूक बनाता है, और क्लेरिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक, मेरा ख्याल ये मौक़ तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिजालत का जो इतना हसास इशू था, इस हवाले से भी ये मौक़ सामने आया। तो आपने जो ये कहा कि आपने ये पढ़ ली है, तो ये तो पढ़ी है जो इन्होंने पब्लिक की है वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे पब्लिक होने वाली चीज़ की कोई लीगल हैसियत नहीं होती। हम तो मुतमिन उस वक़्त होंगे जब हमें इसकी मुसद्दिका कॉपी मिलेगी, और इसके लिए कल हमारे लोग शोदा के लवाकिन और हमारे लोग जाएंगे सिविल सेक्रेटेरिएट,
اور اس کی مصدقہ کاپی لیں گے. اور یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بالکل درست کہا کہ جسٹس اچھا مصدقہ کاپی آپ کو دی گئی نہیں گئی ہے ابھی تک وہ حیات ہے نہیں مصدقہ رپورٹ. دیکھیں ہائی کورٹ کے آرڈر میں دو چیزیں تھیں کہ مصدقہ کاپی جو ہے فل فور, انہوں نے لفظ استعمال کیا فل فور شہداء کے لواحقین کو مہیا کی جائے, اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ 30 دن کے اندر اس کو پبلک کیا جائے. اب یہ ویب سائٹ پہ جو چیز آئی ہے اس کے جب کمپیریزن ہوگا بعد میں جب اصل کے ساتھ, تو پھر ہم اس پہ کمنٹ کرنے کے زیادہ بہتر انداز میں قابل ہوں گے. تو کل ابھی تک تو یہ جو ڈیٹ والا جائیں گے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور شہداء کے لواحقین جب وہاں پر جائیں گے تو کیا پلان کر رہے ہیں؟ وہاں کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں, ریلی نکال رہے ہیں, کیا ارادہ ہے؟ پر امن طریقے سے وہاں جائیں گے اور ان کو درخواست دیں گے, ہم باقاعدہ درخواست دیں گے کہ ہمیں ہائی کورٹ نے آپ کو آرڈر کر دیا ہے, ہمیں اس کی مصدقہ کاپی دے دی جائیں. اور پچھلی دفعہ بھی جو ہوم سیکرٹری تھے وہاں سے وہ بہانہ بنا کے نکل گئے تھے, کل دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کاپی ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی, اس کے بعد ہم اپنا لایا عمل جو ترتیب دیں گے. تو یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم اس جگہ پہ جائیں گے اور وہاں پہ کوئی پبلک کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, کوئی ٹریفک نہیں روکے گی, معمولات زندگی اسی طرح چلیں گے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مصدقہ کاپی ہے وہ ہمیں دی جائے, صرف رپورٹ کو ویب سائٹ پر پبلک کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ اسی لیے کل جائیں گے سول سیکرٹریٹ. عظمہ بخاری صاحب آپ ذرا ڈیٹیلز پہ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہم پہ کوئی الزام نہیں آیا. میں دو تین نکات رکھتا ہوں, باری باری اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر قانون کی قیادت میں پلان اور ڈیزائن کیا گیا آپریشن لرزہ خیز قتل عام کا باعث بنا, یعنی کہ لا منسٹر رانا ثناء اللہ کا ڈیزائن اور پلان کیا ہوا آپریشن تھا یہ, جس کی وجہ سے شہادتیں ہوئی. آپ کہہ رہی ہیں کسی کو الزام نہیں دیا گیا رپورٹ میں. رک جائیے اس پہ شہزاد صاحب, دیکھیے میری گزارش یہ ہے, میں رک گیا ہوں سننے کے لیے آپ کا, اس طرح کی انٹرپریٹیشن نہ کریں. آپریشن تھا جو بیریئرز ہیں ان کو ہٹانے کا, اور یہی انہوں نے لکھا کہ یہ آپریشن جو بیریئر ہٹانے کا تھا یہ بعد میں کانسیکوینٹلی جو وہاں پر حالات پیدا ہوئے اس کی بنا پر ایک بدترین سانحے کی شکل میں آیا. سو اس کو یہ انٹرپریٹیشن دینا کہ کوئی آپریشن ڈیزائن کیا گیا تھا یہ کرنے کے لیے, یہ قطعی طور پر نہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے نہ یہ انٹینشن ہے. نہیں نہیں, میں عظمہ بخاری صاحبہ, ایک سیکنڈ میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ انگریزی میں رپورٹ ہے نا, میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں. آپ لائر ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے. دی آپریشن پلانڈ اینڈ ڈیزائنڈ انڈر دا چیئرمین شپ آف دین لا منسٹر ریزلٹڈ انٹو کلنگز کڈ ہیو ایزیلی بین اوائڈڈ, یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے پلانڈ اینڈ ڈیزائنڈ آپریشن جس کی وجہ سے گروسم کلنگز ہوئی, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا. ایسے نہیں ہوتا شہزاد صاحب, گزارش میری یہ ہے ایسے نہیں ہوتا. جہاں پر آپ اس کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیے نا, آپریشن انہوں نے بتایا ہے رپورٹ کے اندر خود کہ آپریشن کے لیے کہا گیا, میٹنگ بلائی گئی اور آپریشن کے لیے کہا گیا بیریئر ہٹانے کے. کہیں پوری رپورٹ میں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں چیلنج کر رہی ہوں کہ یہ نہیں لکھا گیا کہ کوئی آپریشن جو ہے وہ قتل عام کے لیے کیا گیا. آپریشن بیریئر ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا یہ رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے, اور بے تحاشا جگہ پہ لکھا گیا ہے, اور جہاں میٹنگ کو کوٹ کیا گیا ہے وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ آپریشن بیریئر ہٹانے کے لیے کیا گیا. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, پیج نمبر کنکلوژن کا پیج نمبر 72 منگوا لیجئے گا, اس پہ یہ پڑھ لیجئے گا. اب میں 73 پہ آتا ہوں. میں بتاتا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا, ذرا یہ سن لیجیے. سن لیجیے نا, سن لیجیے محترمہ, یہ لکھا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ قتل عام کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے, مجھے دکھا دیجیے کہاں لکھا ہے. یہ تو میں نے کہا بھی نہیں کے لیے, یہ تو میں نے کہا بھی نہیں ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا بھی نہیں ہے, نہ تو یہ رپورٹ میں نے پڑھا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ قتل عام کے لیے کیا گیا تھا, لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپریشن پلان کیا تھا, ڈیزائن کیا تھا رانا ثناء اللہ نے, اس سے قتل عام ہوا اور جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. میں نے آپ کو پیراگراف پڑھ کے سنایا, پیج نمبر 72 پہ سب لوگ دیکھ لیں گے. اچھا آپ آگے آ جائیے عظمہ بخاری صاحبہ, پیج نمبر 73, دا ایکشنز آف پولیس آف فائرنگ اینڈ سیویلی بیٹنگ دا پیپل آن دا کرائم سین is irrefutable, suggestive that police did exactly for which they were sent and gathered over there. Police ne wahan pe wahi kiya jiske liye unko bheja gaya tha, aur yahan pe likha hua hai ki amwat hi log zakhmi hue. Durust, police ko isliye bheja gaya tha. Isme isi report mein meri guzari sun lijiye na, is report mein ye bhi likha gaya hai
کہ تمام پولیس افسران جن سے انہوں نے انٹرویو کیا ان میں سے مجھے کہیں یہ پتہ نہیں چلا اور کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا حکم انہیں کہاں سے ملا یا اس کو کون کمانڈ کر رہا تھا. کیا یہ نہیں پڑھا آپ نے رپورٹ کے اندر؟ کیا یہ جملہ نہیں لکھا گیا کہ اس کو کوئی کمانڈ نہیں کر رہا تھا اور ایسا کوئی پلانڈ جو ہے؟ میں اس پر آتا ہوں لیکن پہلے اس بات کو تو جواب دے دیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے پولیس کے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا, ایسا لگتا ہے پولیس کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. نہیں, آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا, آپ دوسری رپورٹ کے حصے پہ چلی گئی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس نے جو فائرنگ کی وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کیا, ایسا لگتا ہے کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا پولیس وہ کام کر کے آئی ہے وہاں پر. دیکھیے وہ تو اب نجفی صاحب کو کچھ بھی لگے گا تو اس کا تو میں نہیں کہہ سکتی. گزارش یہ ہے کہ انکوائری ایکٹ اگر آپ نے پڑھا ہو اس رپورٹ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 1959 کا, اس میں ایک طریقہ کار ہے پورا جو ہے وہ انکوائری کرنے کا. اور اس انکوائری کے اندر جو طریقہ کار ہوتا ہے, نہ کسی جگہ پر فورینسک دیکھی گئی, نہ کوئی میڈیکل لیگل دیکھے گئے, نہ کسی کو کمپلیننٹ موجود تھے, نہ کمپلینٹ میں سے کسی کو انٹرویو کیا گیا. ایون جو ایفیڈیوٹ اس میں لکھا ہے نجفی صاحب نے, جسٹس باقر نجفی صاحب جن کو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ بڑے زبردست جج ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں پاور نہیں دیے گئے تھے انویسٹیگیشن کے لیے. ہمیں آپ نے کہا نا جو ٹائپنگ ایرر ہے, نجفی صاحب موجود ہیں وہ بتا دیں گے. عظما بخاری صاحبہ یہاں پہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمیشن کو امپاور نہیں کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے, ورنہ جو چھپے ہوئے حقائق ہیں وہ بھی رپورٹ میں سامنے آ جاتے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں جہاں آپ کہہ رہی ہے کہ انکوائری ایکٹ کمیشن انہوں نے نہیں کی انویسٹیگیشن, انہوں نے فورینسک نہیں کیا, اسی لیے نہیں کیا, ان کو امپاور نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے. یہ بھی لکھا ہوا ہے رپورٹ میں. نو ناٹ ایٹ آل. میں اس کو کیٹیگوریکلی چیلنج کرتی ہوں. انکوائری میں جو ایکٹ ہے 1959 کا, اس کے تحت جو بھی انکوائری کمیشن بنتے ہیں تمام پاورز جج صاحب کو دی گئی تھی. جج صاحب نے نہ جو ہے وہ اکرنس کا جو جگہ ہے نہ اس کو وزٹ کیا, نہ انہوں نے کسی کو کمپلیننٹس, تو ویسے بائیکاٹ پہ تھے وہ, تو اس کے خلاف اس کمیشن کے خلاف ہائی کورٹ میں ذرا اس کے ہائر بینچ میں چلے گئے. میں آپ کو قاضی فیض صاحب خود ہی بند کمرے میں بیٹھ کے میں ذرا پڑھ کے بتا دوں یہاں, میں کیونکہ میں رپورٹ دیکھیں, یہ رپورٹ شہزاد اقبال نے نہیں لکھی ہے محترمہ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دس ٹریبیونل وڈ ناٹ ریسٹرین اٹ سیلف ان ایکسپریسنگ دیٹ دی ایکٹ آف دا گورنمنٹ ناٹ ٹو امپاور دس ٹریبیونل انڈر سیکشن 11 آف دا پنجاب ٹریبیونل آرڈیننس 1958. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, کیا میں نے امپاور کیا گیا؟ وہ بتا دیتے ایسی کون سی پاور سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور جج صاحب کو بائی دا وے شہزاد صاحب قانون کے طالب علم قاضی فیض صاحب جج کو پاور عظما بخاری صاحبہ مطمئن ہے کہ ان کی حکومت کے ذریعے جو بنائی جاتی ہے حکومت پر یا کسی حکومتی شخص پر الزام نہیں لگایا گیا اس رپورٹ میں. جی قاضی فیض صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو الزام ہی نہیں دیا گیا اس رپورٹ میں, ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی اچھا شہزاد بھائی, بات یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے کوٹ کی وہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان جب یہ پروگرام آپ کا آن ایئر جائے گا تو یہ سارے سب کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے. اور ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, جہاں تک باقر نجفی صاحب کے حوالے سے جو یہ لکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے ان سے یہ اختیار واپس لے لیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں سٹیپ بائی سٹیپ اس سارے کیس سے لنک رہا ہوں, تو یہ واقعی پنجاب حکومت نے لیٹر کے ذریعے ان سے یہ اختیارات واپس لے لیے تھے اور یہ چیز درست لکھی ہوئی ہے اس میں. اور باقی جہاں تک بات ہے جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے, تو ہمارا اب بھی اس پہ عدم اعتماد ہے کہ جو چیز ویب پہ آئی ہے ممکن ہے اس میں کوئی فارجری کے چانسز ہوں, جس طرح آپ نے یہ ڈاؤٹ اٹھایا تو اس طرح کی اور چیزیں بھی نکل سکتی ہیں جب تک کہ اصل رپورٹ سامنے نہیں آتی. تو یہ جو یک رکنی جوڈیشل کمیشن تھا جسٹس باقر نجفی صاحب کا, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے خود بنایا تھا. لیکن چلے وہ آپ کا اعتراض جو ہے کہ یہ رپورٹ جینوئن ہے یا فارجری کی گئی ہے یا کوئی چینجز ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے جو ابھی تک پبلک ہوئی ہے رپورٹ, اس میں تو یہ میں نے تو پڑھ کے سنا ہے رپورٹ میں, اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ رانا ثنا اللہ صاحب کا پلان اور ڈیزائن کیا ہوا یہ آپریشن تھا. جی وہ بالکل, اس میں جو قتل و غارت ہوا اس کو آسانی سے بچایا جا سکتا تھا, پولیس کو جس کام کے لیے بھیجا. جی بالکل یہ باتیں تو بالکل درست لگ رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب منظر عام پر سارے حقائق آئیں گے اور اگر اس میں کچھ حصہ غائب کیا گیا جب وہ واپس آ جائے گا تو پھر ساری چیزیں 100% کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور یہ جتنی رپورٹ ابھی آپ نے پڑھی ہے اس میں جو جملے ہیں اس پہ اگر موصوفہ اس پہ کوئی اعتراض کر رہی ہیں اور نہیں مان رہی تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے, لیکن اس پہ ہمارا اپنا موقف ہے پاکستان عوامی تحریک کا. اور یہ جو ہے ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ ان کی جو مسترد کی ہے
درخواست. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پنجاب حکومت کے لیے پرابلمز ہیں. عثمہ بخاری صاحبہ کا بالکل یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس رپورٹ کو چیلنج کریں, اس رپورٹس کو چیلنج کریں. عثمہ بخاری صاحبہ کا یہ رائٹ بنتا ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ میں غلط بتا رہا ہوں, کیونکہ میں رپورٹ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں انگریزی میں جو لکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی عثمہ بخاری صاحبہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ساڑھے کے ساڑھے نو بجے میں نے کہا ڈس انگیج کریں, جب انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ یہ ہنگامہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا اس کو روک دیا جائے. لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا, نہ تو اس وقت کے لا منسٹر نے یہ تصدیق کیے کہ ایسے کوئی ہمیں احکامات ملے, نہ پولیس کی ہائرارکی میں جو آفیشلز تھے ٹاپ ٹو باٹم سب سے پوچھا گیا, کسی نے جو ہے یہ اس بات کو انڈوس نہیں کیا کہ ہاں ہمیں یہ احکامات دیے گئے کہ آپ اس ایکشن کو روک دیں. پہلے تو میری اور اسی لیے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ آفٹر تھاٹ تھی شہباز شریف صاحب کی. جی یہ بڑی امپورٹنٹ دو ایک باتیں میں شہزاد صاحب ان انٹرپٹڈ اگر آپ مجھے صرف دو منٹ دے دیں تو میں کرنا چاہتی ہوں. پہلی تو گزارش میری یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ بنی, یہ جو کمیشن بنا, اس کو معلوم ہے یہ اس کو چیلنج کیا گیا پیٹ کی طرف سے اور پیٹ نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس کے بعد جب وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے تھے, ایک جے آئی ٹی فارم کی گئی جس میں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل تھے, اور اس جے آئی ٹی کو کام کرنے کے لیے جو باقی فیکٹ فائنڈنگ تھی وہ کام اس کو سونپا گیا, اس نے ایک رپورٹ تیار کی. جو آپ کا سوال ہے, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں صرف وہ جملے بتا رہا ہوں, دیکھیے آپ جملے بتا رہے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے اس کا نتیجہ عکس کرنا چاہتے ہیں. رپورٹ میں کیٹیگوریکلی لکھا کہ آپریشن شروع ہوا, کہا تھا کہ ہم نے کوئی الزام نہیں, اس لیے میں صرف وہ والے جملے بتا رہا ہوں جہاں الزام لگا ہے. کرنے شہزاد ادرس کہہ رہے ہیں, آپ میری سن لینا, مجھے الزام کا جواب رپورٹ میں ہم پہ الزام نہیں لگا, اس لیے میں وہ نکات بتا رہا ہوں آپ کو جہاں پہ الزام لگا ہے. جی 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 بتائیے بھائی, ہمارے اوپر الزام لگا بیریئر ہٹانے کے آپریشن کرنے کا, ہم پہ یہ الزام لگا, ہم پہ یہ الزام نہیں لگا کہ یہ کوئی پلانڈ جو وہ چیز تھی. لیکن ہم لوگوں کی شاید میموریز بڑی وہ ہیں اور آپ بھی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, مجھے نہیں معلوم کیوں. اس رپورٹ کے اندر بہت ساری اتنی سینسیٹیو چیزیں ہیں, اتنا کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو اگر پبلک ہو جائیں اس ملک میں ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا. اور صحیح ہے, بہت بہت شکریہ فیض صاحب, بہت بہت شکریہ. رپورٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے, اور رپورٹ اگر اس رپورٹ میں کسی کو الزام نہیں دیا پنجاب حکومت کی طرف سے, تو وجہ کیا ہے کہ تین سال تک رپورٹ کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا, دو دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد اس رپورٹ کو پبلک کیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے, اس رپورٹ میں جو جو لکھا گیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے اپنے اگلے پروگرامز میں, اور اس سے پہلے حکومت کے کیا موقف اور کیا دعوے رہے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے یا اس انسیڈنٹ کے حوالے سے, وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ, ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.